Assalamu alaikum students, hope so कि आप सब खैर खैरियत से होंगे and I'm also good here. स्टूडेंट्स आज के वीडियो में जो एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.2 से लेकर 5.6 तक चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स का. फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट व्हाट इज मीन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से मतलब क्या है. देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही यही है. टॉपिक जो 5.1 वही मैंने आपको डिटेल में समझाया था लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ. Everybody in the universe attracts the other body. यानी कि कायनात में जितने भी बॉडीज़ हैं वो दूसरी बॉडीज़ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रही हैं. ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास. यानी कि दोनों के मैसेज को मल्टीप्लाई कर दें और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्केल ऑफ डिस्टेंस. अब ये जो वर्ड स्टेटमेंट आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है और प्लस आपने ये इक्वेशंस लिख देनी है. इसकी आपने एक्सप्लेन कर देना कि देखें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दिस वन एंड इसको एक्सप्लेन कर दें, इसको एक्सप्लेन कर दें, इसको एक्सप्लेन कर दें. कोई सिंपल वर्डिंग में डू यू अट्रैक्ट द अर्थ. हाँ, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू. Which one is attracting with a larger force, you and the earth? अच्छा देखें जी, क्वेश्चन ये है कि क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है. अच्छा, कौन किस को अट्रैक्ट कर रहा है विद द लार्जर फोर्स, ये हमने बताना है. एक चीज़ यानी कि इस पर आप दो इसमें स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं. पहली बात ये है कि अच्छा जी, इसमें अब टू स्टेटमेंट्स हैं कि या तो थर्ड लॉ भी इस पर लागू होता है और दूसरा बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, दोनों चीजें ठीक है. थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अगर कोई बॉडी इफ ए बॉडी एग्जर्ट्स करती है फोर्स बी पे तो बी भी क्या करेगी, एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगी जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखिए बच्चों कि अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत इसको हम प्रूव करेंगे. देखिए अर्थ हम पे फोर्स अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, हम अर्थ की तरफ जा रहे हैं लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम भी अर्थ पे फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन हम अर्थ हमारे पास क्यों नहीं आ रही. देखिए इसकी वजह क्या है कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास. यानी कि मैथ जितना ज़्यादा छोटा होगा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी. अब जो हमारा मैथ है वो क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मैथ ऑफ द अर्थ. इस वजह से अर्थ हमारे पास नहीं आती. हमारा मैथ देखिए, आप एक बंदा वो छत से छलांग मारे जिसने कोई अटैम्प्ट करनी है सुसाइड बेचारे ने, तो अगर ये बच्चा या कोई भी चीज़ छत से गिर जाती है, पैराशूटर बना लेते हैं हम यहाँ पर, तो देखें ये क्या करेगा, आस्ता आस्ता अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा. अब अर्थ इस पर भी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी लगा रहा है. क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. सेम इसी फिनोमेना के तहत जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, अर्थ का मास कम है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है. और जब हम दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं आंसर बिल्कुल सेम आएगा. देखें सेम इस इक्वेशन से हम दोनों अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि टोटल हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अर्थ कितना m1 पे, हम ये चलें मास ऑफ अर्थ कर लें यहाँ पे,
ये हम ये मैस जो एम वन है या कोई भी बॉडी कर लें या हम इंसान कर लें, तो ये सेम आंसर निकलेगा दोनों का, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के प्रोडक्ट को आंसर बिल्कुल द सेम, यानी कि हम सेम फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, जिस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है हम उसी फोर्स से अर्थ को खींच रहे हैं, बस वजह क्या है हमारा मैस कम है तो इस वजह से हम भाई घुसे धसे चले जाते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, अदरवाइज अगर हमारा मैस अर्थ जितना होता तो अर्थ हमारे पास भी उसी स्पीड से आती। नेक्स्ट है 5.4, व्हाट इज फील्ड फोर्स। बेटा फील्ड फोर्स क्या है, इसकी एग्जांपल मैं आपको, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो असल में एक्चुअली क्या है, फील्ड फोर्स है कि जिसमें बॉडी कॉन्टैक्ट में आए बगैर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन या फोर्स फील करती है। अब नॉर्मली क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, ये मेरे पास ब्लॉक पड़ा है मैंने इसको पुश किया तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, तो यानी कि फोर्स लगाया है मैंने तभी क्या हुआ मुझे रिजल्ट मिला या डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। अब फील्ड फोर्स क्या होती है, इमेजिन ये मैग्नेट है मेरे पास, इसके पास एक और मैग्नेट या मैंने कोई आयरन नेल रख दी है मैंने, तो जैसे अब देखिए मुझे जरूरी नहीं है कि आयरन नेल को मैं बिल्कुल इसके पास लेके आऊंगा, जैसे मैं आयरन नेल को इसको इसके फील्ड में लेके आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड में लेके आऊंगा ये फौरन क्या होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि फील्ड फोर्सेस क्या होती हैं कि वो फोर्सेस जिसमें दो बॉडीज का या दो मैसेज का आपस में कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है वो तब भी फोर्स फील कर लेती हैं। व्हाई द अर्लियर साइंटिस्ट, अच्छा ये हो गया जी हमारे पास 4 हो गया, 5.4 हो गया, यस। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5.5, अच्छा 5.5 है व्हाई द अर्लियर साइंटिस्ट, जो शुरू के साइंटिस्ट थे उनको मसला क्यों आ रहा था ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करने में। बेटा वजह क्या है कि हमारी जो बॉडी का जो मैस है वो बहुत कम है और जो वैल्यू आएगी वो बहुत मिनिमम आएगी। देखिए मैं भी आप दूसरे बंदे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दूसरा बंदा भी आप पे लगा रहा है, लेकिन क्यों ये निग्लिजिबल है, हमें अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है ड्यू टू द हमारे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैसेज है, इस वजह से हम इसका गेस नहीं कर पाते। जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो ज़्यादा, यानी कि आप ये बता सकते हैं कि नॉट प्रॉपर और डिवेलप लैब नहीं थी उनके पास, और जो मैंने और ड्यू टू क्यों वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी कि बहुत मिनिमम अमाउंट होती है अट्रैक्शन प्रोड्यूस, ठीक है, ओनली डिटेक्टिव ओनली ठीक हो गया जी, तो नॉट अ प्रॉपर जो डेवलप लैब उनके पास नहीं थी, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ जो अट्रैक्शन की अमाउंट थी वो बहुत मिनिमम थी, वैल्यू बहुत कम थी, और प्रॉपर उनके पास और जो बिल्कुल डिटेक्ट की जाती है सेंसिटिव ऑपरेटर्स के तहत उससे की जाती है। हाउ कैन यू से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, बच्चों आप कैसे कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, रीजन क्या है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें मस नहीं है कि एक जो एक बॉडी जो है वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में आए, वो कॉन्टैक्ट में नहीं है वो तब भी क्या करेगी वो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अफेक्ट करेगी फील करेगी। जैसे कि ये अर्थ है ये इसके गिर्द में कोई बॉडी यहाँ पर रख रहा हूँ ये इसके ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ गई है, तो क्या ये बॉडी अर्थ के कॉन्टैक्ट में है नहीं है, तो फिर भी क्या करेगी बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होती जाएगी, तो दैट्स वाई आपने यहाँ पे लिखना है यस द ग्रेविटेशन फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स इज अ फील्ड फोर्स बिकॉज
it is not necessary that both of the bodies are contact with each other, dono ke contact mein aaye. So bachcho ye tha hamare paas 5.6 hamara. To 5.2 se 5.6 humne is video mein kar li hai. Baki jo next exercise jo hogi chapter ki exercise, wo hum next video mein dekhenge.